अब बताता हूँ मनीष जी की, ये जो नजूर की भूमि जिसमें कह रहे गरीब गरीब गुरबा होता है, बड़ा गरीब आदमी गरीब नहीं होता है, पिछले 40 साल से तो मैं देख रहा हूं, मुझे होश है कि मनीष जी जमीन नजूल की जमीन बहुत पावरफुल, जो सत्ता का दलाल होता है या अधिकारियों का बड़ा दलाल होता है, बड़े अधिकारियों का, वही आदमी उसी को नजूल की जमीन का पट्टा मिलता है, कभी किसी सामान्य आदमी को तो पट्टा मिला ही नहीं, पिछले 40 साल का इतिहास है ये, तो ये दलालों के लिए परेशान है। और वो अब आंकड़ा आ गया कि 75,000 एकड़ जरा जमीन एक है। लाइन जरा बता दीजिएगा, नजूल की भूमि तो आम व्यूअर्स को समझ में आए, क्या है नजूल की भूमि? हाँ जरा दर्शक समझ ले मनीष जी, नजूल की भूमि आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 1857 के गदर के बाद जो जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, राजा रजवाड़े जमींदार नवाब जो भी थे, उनको वो जब अंग्रेजों का शासन हो गया 1857 में, तो मनीष जी वो भागे, वो लोग भागे अपनी जान बचा के, तो उनकी जमीनों पे अंग्रेजों ने कब्जा किया, और उसको वो जमीन जो थी उसमें वो 1947 तक उनका चलता रहा, जो उनके खिलाफ होता था जमींदार राजा रजवाड़ा जो भी कह लीजिए, उसकी जमीन वो कब्जा कर लेते थे, अपने अपने उसमें ले लेते थे, एक तरह से अंग्रेजों के अधिकार में आ जाती थी, लेकिन वो जमीन उसको उसका एक अलग रिकॉर्ड था, तो वो उसको एक तरह से नजूल लैंड कहते थे। और वो जब 1947 में आजादी मिली तो वो जमीन जो है भारत सरकार के पास आ गई, तो कांग्रेसियों ने तो पहला काम किया कि जो उनके अले जमींदार राजा आ जाते उनको तो वापस कर दी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में वो जमीन थी, जो क्योंकि कुछ ऐसी जमीनें थी जो 1857 से उन्होंने 1857 से लेकर 1880 ईस्वी तक कब्जा किया था, तो बहुतों के तो वारिस ही नहीं थे, वो लावारिस जमीन जिसे आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी, बड़े बड़ी पवित्र जमीन है उसको आप कह सकते, बड़ी पवित्र भूमि की, वो देश के लिए जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया उनकी जमीनें थी, और वो सरकार के पास आ गई आजादी मिलने के बाद, तो वो उस जमीन को भूमाफियाओं के हाथ का खिलौना बनाने के लिए आज जब योगी आदित्यनाथ ने उन पर लठ चलाया, कहा कि ये सारी नजूल की जमीन वापस ली जाएगी और ये सरकार के काम में ली जाएगी, या फिर जो गरीबों के लिए हम प्रधानमंत्री आवास है मुख्यमंत्री आवास बनते हैं ये उस काम में लगाई जाएगी, ये सारे भूमाफिया इस पर कब्जा किए हुए हैं, तो उस पर केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भाजपा ने विधान परिषद के अंदर अड़ंगा डाल दिया। केशव प्रसाद मौर्य नेता है मनीष जी विधान परिषद का, दर्शक इसको अच्छे से समझें, तो ये एक तरह से भूमाफिया के साथ कौन खड़ा है, योगी खड़े हैं कि केशव प्रसाद मौर्य खड़ा है, ये आपको तय करना पड़ेगा, और भाजपा की इन्हीं करतूतों की वजह से, इन्हीं कुकर्मों की वजह से ये हाल हुआ था लोकसभा में, लेकिन लगता है सबक नहीं सीखा है, क्योंकि मनीष जी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष वो भी वही भाषा बोल रहा है जो केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, जरा अंधेर देखिए, अभी अभी भिखारी 4 जून तक भिखारी वाली भिखमंगों वाली हैसियत में आ गए थे, कोई पूछ नहीं रहा था, उस बेहोश हालत से भिखारी वाली हालत से 2 महीने के अंदर निकाल के योगी आदित्यनाथ लाए, और इन्होंने फिर खुराफा शुरू कर दी, ये फिर एक तरह से भाजपा की पीठ में छुरा मार रहे हैं, इनके क्या स्वार्थ है, और दिल्ली दिल्ली खामोश है, ये हल्का, ये बड़ा बहुत गंभीर घटनाक्रम है, और दर्शक ये समझ लें कि इसीलिए भाजपा की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में हमेशा होती रही है, इसी तरह के जयचंद हमेशा पलते रहे हैं, जिनके अपने स्वार्थ निजी लिप्सा निजी लंपटाई, और मैं फिर कह रहा हूं कि जरा योगी आदित्यनाथ को मनीष जी एक काम कर देना चाहिए, वो इन्होंने उसको रोक के सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया, क्या मनमाने बदलाव करेंगे ये पता चल जाएगा 2 महीने के अंदर, लेकिन तब तक योगी आदित्यनाथ एक काम करें, ये समझ में आ जाएगा कि ये खड़े किसके साथ हैं, कि योगी आदित्यनाथ है तो मनीष जी बंदरबांट की नहीं, नजूल की जमीन की बची नहीं थी, ये किस सरकार के कार्यकाल में कितनी जमीन किन किन लोगों को आवंटित की गई, सारी कलई खुल के सामने आ जाएगी, कि ये जो भाजपा तड़प रही है विधान परिषद के अंदर, ये जो रोका है इस बिल को, तो ये समाजवादी पार्टी की मदद के लिए रोका है, ये बहुजन समाज पार्टी की मदद के लिए रोका है, ये कांग्रेस की मदद के लिए रोका, क्योंकि ये नजूल की जमीन बांटने का जो धंधा था ये आजादी मिलने के बाद सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने किया, 40-45 साल तो उसने बांटी, और उसके बाद जब मौका मिला तो मुलायम सिंह ने बांटी, मायावती ने बांटी बसपा में, हालांकि बसपा में भी बहुत कम हुआ है, समाजवादी मुलायम सिंह के समय में खूब बटी, तो कांग्रेस और मुलायम सिंह की पार्टी की उस कब्जा की हुई संपत्ति को, कब्जा कराई गई संपत्ति को ये रोकने का काम केशव मौर्य के नेतृत्व में भाजपा ही कर रही है, जरा गौर करिए। जी।